मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अशोकनगर के बुगावली विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह यादव के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान वीडी शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन आईफा अवार्ड के लिए करोड़ों रूपए थे। आईफा अवार्ड के लिए 700 करोड़ रूपए का प्रबंध गरीब की योजनाओं को बंद करके किया। अधिकार है कमलनाथ, तुमको गरीबों के हर प्रकार की योजनाओं को बंद करके उनका अधिकार छीनने का। पैसा नहीं है और चेक क्लीन और फर्नाडीज के हाथ डाल करके फोटो खिंचवाने के लिए इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड करने के लिए ये गरीब जनता मुगावली जी पूछना चाहती है। कमलनाथ, 700 करोड़ का प्रावधान तुमने उसको आईफा अवार्ड करने के लिए इंदौर में कहां से किया था? पैसा कहां से आया? इन गरीबों की योजनाओं को बंद करके पैसा।